गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए ना डैडी, मैं आपके लिए दूध का ग्लास लेकर आई हूँ। क्या बात है, सुबह सुबह हमारे लिए गरम गरम दूध। अच्छा है, ये तो बताओ कि तुम इतने प्यार से हमारे लिए दूध क्यों लाई हो? वो क्या है ना दारी, आज नाग पंचमी है। कहा नाग पंचमी? कहते हैं आज के दिन नाग देवता को दूध पिलाने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। क्या? तुम क्या हमें नाग समझ के दूध पिला रही हो? वो डैडी, नाग समझ के नहीं, देवता समझ के। आखिरकार बाप भी तो नाग समान, देवता समान होते हैं ना। हाँ। आपको टेस्ट कैसा लगा? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। चॉकलेट फ्लेवर है ना? जी डैडी। बढ़िया, मतलब अब मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कौन सी मनोकामना? जब से होश संभाला है तब से एक ही तो मनोकामना है मेरी। कौन सी? कि मेरी शादी हो जाए। शादी तथास्तु। ए जी, हमारी स्वीटी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढिए ना। हाँ हाँ, जरूर ढूंढेंगे भाई, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जितने अच्छे से लड़के वाले होते हैं ना, वो भी अच्छी से लड़की ही ढूंढ रहे होते हैं। नालायक लोगों की दुनिया में शादी नहीं होती, समझी? अगर ऐसा होता ना तो आज तक आप कुंवारे ही होते। साजन साजन, तेरी दुल्हन तुझको पुकारे, आजा आकर मेरे हाथों में मेहंदी तू ही रचा, आजा आजा आजा। ओम मकरंदे महाकाय सूर्य कोटि, संप्रदनि विधन करू मैं देव सर्व कार्य को सर्वदा। Excuse me, आप अंदर कहाँ चले आ रहे हैं? अरे वाह 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 वाह, क्या सीता राम की जोड़ी लग रही है। कौन है? क्या राधे कृष्ण की जोड़ी लग रही है। आ हा 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 हा, ऐसी जोड़ी तो भगवान। अरे इसको हटाओ, ये कौन आ गया, जजमेंट खराब कर रहा है बीच में आकर के। हा 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 हा, दूल्हा दुल्हन की जोड़ी में ये काला बैंगन कहाँ से आ गया? हटाओ हटाओ हटाओ, आई डोंट लाइक दिस। बैठ जाइए बैठ जाइए, शादी करवा रहा हूँ। हमको हमारे घर में बिठा रहा है? ओम भगवान विष्णु मंगलम, ओम ओम ओम। शादी संपन्न हुई। ये सब क्या था, आप वहां शादी के मंडप में तो थे नहीं, यहीं बैठे बैठे आपने शादी भी करवा दी उन दोनों की? अरे साहब, दूल्हा दुल्हन भी एक साथ नहीं है, है? दुल्हन मुंबई में बैठी है, दूल्हा अमेरिका में बैठा है और रिश्तेदार कनाडा में। टेक्नोलॉजी का जमाना है भाई साहब। अरे लेकिन वो आप हैं कौन? माई सेल्फ हाई टेक पंडित पन्या से पट। पंडित जी सुनिए ना, आपके पास बद्री, मेरा मतलब है वरुण धवन मिलेगा क्या? वरुण? नॉटी बॉय, देखो वरुण की तो पहले से ही एडवांस बुकिंग चल रही है। अरे एक मिनट, आप बताइए ना पहले कि आप यहाँ आए क्यों हैं? जहाँ कुंवारे लड़के और जहाँ कुंवारी लड़कियाँ होती है, वहाँ हम सुनते सुनते आ जाते हैं एंटीने के साथ। फिलहाल मेरे पास एक बहुत बड़ा अमीर घर का रिश्ता आया है, उस अमीर घर को दुल्हन के तौर पर एक ऐसी लड़की चाहिए कि जो दिमाग से, पूरे दिमाग से एकदम पैदल हो। पंडित जी, वो दिमाग से पैदल लड़की मैं हूँ, मैं। तो फिर ये रिश्ता मुझके पक्का समझे? मंजूर, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अरे चमट, मंजूर है के बच्ची। अरे पहले ये तो बताइए कि वो लड़का कौन है, उसका खानदान क्या है, वो लोग करते क्या हैं? अरे भाई साहब, कबाड़ी का बिजनेस है। कबाड़ी? भाई साहब कोई छोटे मोटे कबाड़ी नहीं है, जो टाइटेनिक जहाज डूबा था उसका सारा मलबा इन्होंने तो खरीदा था। इतना ऊंचा मकान है के बेडरूम में जाने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठ के जाना पड़ता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए कि उनको
कम अकल वाली लड़की ही काहे चाहिए हैं? हाँ ये बताइए। क्योंकि बहन जी वो जो लड़का है वो बहुत ही बुद्धिमान इंटेलिजेंट है। You mean opposite attracts, right? एजी, हमें ये रिश्ता मंजूर? तुमसे किसी ने पूछा क्या? अयो दत्ता, लेकिन हम कुछ बताए कहाँ हैं? मैं कल 3 बजे आता हूँ लड़के वालों को लेकर के। ओम भगवान विष्णु मंगलम या का है हरिओम हरिओम ओम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम। यू 3 बजे आता हूँ। अरे लेकिन 3 बजे के लिए हमने हाँ कब कहा? अरे हेलो एजी, एक बात की तो तसल्ली है, कम से कम हमारी स्वीटी के लिए रिश्ता तो आया, हम तो तैयार रहेंगे। हाँ मम्मा, आपको रेडी होने की कोई जरूरत नहीं है, वो मुझे देखने आ रहे हैं तो रेडी भी मैं ही होऊंगी। अभी ये खुशखबरी सबको सुना के आती हूँ। साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे, आजा सब ना मेरे नाग पंचमी के व्रत का कमाल है। ये नाग पंचमी के दिन तो दूध मैं भी चढ़ाऊंगी, लेकिन नाग को नहीं, नागिन को, क्योंकि दूध पर नागिन का भी उतना ही हक है जितना नागों का। अच्छा मैं चलती हूँ, पूरे मोहल्ले ये खबर मुझे फैला रही है। हमेशा मोहल्ले वालों को शिकायत रहती है कि हमारे घर से तो खबर ले जाती है लेकिन अपने घर की न्यूज कभी नहीं सुनाती। आज मैं उनकी शिकायत मिटा दूंगी। ओके मैं चलती हूँ, बाय 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 बाय, जल्दी जा। साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे, आजा घर। हेलो कौन? पप्पू? कौन पप्पू? पप्पू कैसे हो? है हाँ ठीक है, हम संभाल लेंगे। हा? बहुत अच्छे। हाँ 2 बजे ना? हाँ अपना ध्यान रखना और खूब जम के खाना है। हाँ राम राम। राम राम का काहे को फोन इतना रात को काहे को फोन किया? राम राम करने के लिए? अयो दादा बिना, अरे पप्पू स्वीटी के लिए एक रिश्ता भेज रहा है और कह रहा था कि लड़के के पहनावे पे मत जाना, लड़का बहुत अच्छा है, बहुत पैसे वाला है, हाँ बस कान से थोड़ा कम सुनता है। 2 बजे आएगा। हाँ ए लो अबे कौन नया रिश्ता? राधिका बिटिया ये लो तुम्हारा पोहा तैयार है। ए जी आप आज की छुट्टी के लिए ऑफिस में फोन कर दिए ना? अरे अरे नहीं नहीं हम भूल गए, अभी 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 बॉस से। अरे बॉस का ही फोन है। हेलो गुड नाइट सर। गुड मॉर्निंग सर। यस सर रिश्ता? हाँ डेट? ओके सर ओके सर। कमाल है, लड़का अभी देखा तक नहीं और सीधा हम शादी की डेट बताते, और लड़का भी कौन? सर के साले के साले के साले के साले का बेटा। क्या हुआ ठीक से बताइए तो। अरे बॉस का फोन था, वो बोल रहे थे कि भाई रिश्ता वो भेज रहे हैं इसके लिए, और वो आज शाम को स्वीटी को देखने के लिए आने वाले हैं। पप्पू के रिश्ते के ला कहें तो फिर पप्पू नाराज, ये बॉस के रिश्ते को मना करें तो हमारी नौकरी जाएगी, और अब वो हेलीकॉप्टर वाला रिश्ता उसकी तो बात ही छोड़ो। ले जाएंगे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया। मेरे साथ दरवाजा खोलने चलिए ना। वो क्या है ना कि मैंने सुना है कि जब किसी लड़की की शादी होने वाली होती है ना तो वो कहीं भी अकेले नहीं जाती है। ले जाएंगे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे और रह जाएंगे घर वाले। कैसी लग रही हो? निंचाक।
नमस्ते। जीती रहो जीती रहो। नमस्ते। जीती रहो जीती रहो जीती रहो। आइए 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 ना। हाँ चलिए चलिए। अरे मटरो। अरे आनंद भाई देखिए देखिए आपके दोस्त कैसे हैं, हमें बैठने को भी नहीं कह रहे। अरे बैठिए बैठिए आइए। रहे मजाक कर रहे। आ आ आ सुनिए कैसी लग रही हूँ मैं नीचे। अरे भाभी जी आपसे तो तारुफ हुआ ही नहीं जी। मैं जी मेरा नाम मटरू है और ये है मेरी बीवी बिजली। तो मटरू की बिजली का मंडोला कहाँ है? अरे वो अमेरिका है और आज वो लौट के आने वाला है और हम उसे ही लेने आए थे। अपने बेटे को आप यहाँ लेने आए थे? अरे नहीं नहीं भाई साहब, हम अपने बेटे के लिए आपके घर से कुछ लेने आए थे। आपकी एक बेटी को अपनी बहू बना कर ले जाएंगे और वो कौन सी होगी वो ये बताएंगी। देखिए भाभी जी हमें तो एक चुलबुली सी चिड़िया जैसी बहू चाहिए। हाँ। और आपकी स्वीटी में वो सारे गुण है। चार चार रिश्ते। ये तो ऐसे ही। आप बताइए आप क्या बोल रही थी? हाँ तो भाई साहब हम एयरपोर्ट से अपने बेटे को लेकर आते हैं और लौट के आपके घर आएंगे और भाभी जी शादी की तारीख पक्की करेंगे। हाँ। तो चलिए चलिए चलिए। हाँ तो कैसी लग रही हूँ मैं? चेक। दो बज रहे हैं, पप्पू का भतीजा आने वाला है और अभी तक यही तय नहीं किया है कि शादी तय किसके साथ करनी है। हमारी नजर में तो वो एनआरआई वाले लड़के को हाँ कर दीजिए बस। हाँ जी बीना बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें भी ये एनआरआई वाला रिश्ता ज्यादा सही लग रहा है। चलो इन दोनों सौतनों के विचार कहीं तो जाके मिले। हाँ पापा मम्मी ठीक कह रही है। तुम भी इसको सुन सकती हो। किसको? नहीं कुछ नहीं कुछ देख बापू, आज तक तन्ने सिर्फ देसी माल यूज किया से। हाँ इम्पोर्टेड तो छुआ बिना दमाद ही इम्पोर्टेड यूज करके देख ले है ना। एक मिनट कोई मुझसे तो पूछ लो, आफ्टर ऑल मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। इस तरीके से जल्दबाजी में मैं कोई फैसला नहीं लेने वाली हूँ, पूरे तरीके से सोच समझ कर लूंगी। गजब, शादी की बात होते ही तुमको अक्कल आ गए हैं और तुम लोग सब बेकार में उसका मजाक उड़ाते रहते हो। अच्छा बेटिया एक बात बताओ, तुम इतने सारे रिश्ते में से कैसे तय करोगी कि किसके साथ तुमको शादी करनी है? मम्मा टॉस करके और क्या? जिंदगी का इतना बड़ा फैसला है, बिना टॉस किए बात थोड़ी ना बनेगी। गलती हो गई हमसे बोल के। इसको छोड़ो ये सुनो, विकिपीडिया के अकॉर्डिंगली हमारे देश में 70% लोग बिना सोचे समझे शादी करते हैं। हाँ पापा तो मेजोरिटी एनआरआई वाले मंडोला के साथ ही है, ठीक है उसे ही फाइनल रखते हैं। अच्छा देखो अब सोचना ये है कि बाकियों का क्या करना है। बाकियों की तो कोई चिंता नहीं है, ये लो है ना काम खराब करने के लिए, भाग जाएंगे। ए जी ऐसे बिना सब अलग अलग वक्त पे आ रहे हैं तो उसमें तो कोई गड़बड़ होगी नहीं, लेकिन फिर भी हमको इस बात का ध्यान रखना है कि दूसरे के आने से पहले पहले वाला निपट जाए बस। हाँ अरे फिलहाल तो पप्पू का भतीजा आने वाला है और सुना है कि उसे भी कम सुनाई देता है। वाह फिर तो हो गया। हाँ उसने हम राधिका के साथ बिठा देंगे और राधिका का मशीन निकाल देंगे। बस बस हंसी खट्टा बहुत हुआ है, चलो बहुत काम पड़ा है, सब लोग अपने अपने काम पे लग जाओ। चलो चलो छोटी प्लीज मेरे मशीन की बैटरी चेंज कर दे। ठीक है। ये कौन है? जी नमस्ते। लगता है यही लड़का है, एक तो मशीन ना होने के कारण मुझे कुछ ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा है। लगता है यही लड़की है, इसे ही इंप्रेस करना होगा। हाय राम
इसे पता ही नहीं चलना चाहिए कि मैं बहरा हूँ। जी जी, आपको पढ़ना अच्छा लगता है क्या? नहीं 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 नहीं, लड़ना वड़ना नहीं, मुझे सिर्फ पढ़ना अच्छा लगता है। ओ, हमें लगा आपको पढ़ना अच्छा लगता होगा, ये जो चश्मा पहन रखे है ना, इसीलिए। जी। और भाई लंगूर पहुंच गया सर? जी जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? ओ, मैं थारा हाल चाल ना पूछ रही से, मैं तो थारी घड़ी बेस्ती कर रही सू। जी जी, चल के बातचीत करते हैं ना, आइए। बावड़ी पूछता तू तो ना। अरे कौन आ गया भाई अब? हैं? ओ, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, आप कौन? वो आपका बॉस पोपटलाल है ना? हाँ हाँ, उनके साले का है, साले का है, साले के साले। आराम से पापा, हे प्रवार अभी जैसे पापा बोलो। हाँ, पहचान गया पहचान गया, हो गया हो गया, चलेगा। ये हमारा ढीकरा बटुक बटुक। जय कृष्णा आपने। जय श्री कृष्णा पापा। आइए ने आपने। जय श्री कृष्णा। हाँ हाँ, जय श्री कृष्णा, हो गया हो गया, आइए आइए आइए, अंदर आइए। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। रुकिए रुकिए श्रीमान जी, ये हैं वो अमीर, हमारे अपने हिम्मत भाई, और ये इनकी वाइफ जी जी मेहनत भाई। हाँ। और ये है तो ये हमारे हरजंद रहमत। हाँ। सलाम कर भाई। हाँ, सलाम सलाम सलाम, आइए ना अंदर आइए। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। ये और तो नहीं आ जाए। राधे राधे राधे। आप लोग अभी तक खड़े कहाँ हैं? बैठिए बैठिए। वो तो ठीक है, पर ये बताए ना, ये चार लोग कौन हैं? जी नमस्ते जी, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? ये लोग भी स्वीटी का रिश्ता लेकर आए हैं। पर श्रीमान जी, जुबान तो आपने हमको दी है। अरे जुबान किसी को भी दी हो, पर लड़की तो हम ही लेके जाएंगे। ऐसे कैसे लेके जाएगा चपड़गंजो? कंजू, बचो, अभी हम हैं। जी नहीं, हमारा तो क्या कपड़ों का कारोबार है, और आपका? चुप, कौन है छछंदर? पापा, मुझे दुल्हन लाके दो पापा। ठीक है, हूँ बात करूँ सुने। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दुल्हन के लिए इतना झगड़ा करने से पहले एक बार आप दुल्हन से मिल तो लें। नहीं, मेरी माता जी के तो बचपन में ही देहांत हो गया था। ओह सॉरी सॉरी, तुम्हारी बात बाद में सुन लेंगे बेटा, तुम थोड़ा बैठ जाओ। हाँ, अरे स्वीटी, ए स्वीटी। साजन साजन तेरी दुल्हन कुछ को पुकारे, आ जा। अबे आ जा। जी नारी। बेटा ये लड़के वाले आए हैं तुमको देखने के लिए। देखिए, इससे पहले कि आप सब मुझसे मेरे बारे में पूछें, मैं आपको खुद ही बता देती हूँ अपने बारे में। मेरा नाम है स्वीटी माथुर, और मैं मैट्रिक में 4 बार फेल हुई हूँ। हाँ, लड़कों को पचाना ना मेरी हॉबी है, लेकिन ये शौक मैं अभी तक पूरा नहीं कर पाई। हमें लड़की पसंद है। अयो दादा, सारे के सारे तैयार हो गए, वो भी एक साथ हैं। क्या करें? हाँ दारी, एक मिनट मम्मा, सब लोग आओ। मैं तो कहती हूँ फिलहाल के लिए ना, ये एक NRI दूल्हे की सीट कंफर्म कर देते हैं, और एक को RSC में डाल देते हैं, और बाकी दो को वेटिंग लिस्ट में रख देते हैं। हाँ। तुम शादी कर रही हो, ट्रेन की टिकट बुक कर रही हो? देख भाई, मन ने तो लागे से कि यहाँ एक अनार और घने सब बीमार, इसका तो एक ही ऑप्शन हो सके से। स्वयंवर। हम तैयार हैं। पप्पू, स्वयंवर की शर्त क्या होगी? शर्त ऐसी होनी चाहिए कि यो पुराना कर सके और यहाँ से भाग जावे, है ना? मुझे लगता है कि शर्त ये होनी चाहिए
कि जो भी लड़का जीएसटी का मतलब स्वीटी को समझा दे, हम उसकी शादी स्वीटी से करा देंगे। नहीं नहीं, कोई सीए निकल गया तो? मैं क्या कहती हूँ, जो दीपिका पादुकोण के अगले बीएफ का पता लगा लेगा, स्वीटी दीदी की शादी उससे करवा देंगे। एक मिनट रुको रुको, देखो अभी हम बताएंगे कि शर्त क्या होगी। रुको है, देखिए हम क्या बता रहे हैं कि क्योंकि आप तो जानते हैं कि हमारी बेटी एकदम रेयर पीस है, तो लड़का भी इनके लिए हमको एक रेयर पीस ही चाहिए। इसलिए बहुत आसान सी शर्त रख रहे हैं, जो लड़का 25वें माले से जंप करके दिखाएगा वही हमारी बेटी का दूल्हा कहलाएगा। बोलिए मंजूर है? अरे किसी को मंजूर नहीं था, देखा एक बार में सबको भगा दिया। गजब। जी तो मैं रिश्ता पक्का समझू? अयो दादा, ये बाकी रह गए थे हैं? बैठ जा चुपचाप, बैठ जा। ये मटरू का बच्चा अपने बच्चे को लेके आया काहे नहीं? फोन करके देखें क्या? अरे मटरू, अरे कहाँ हो भाई, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। क्या क्या बात कर रहे हो? अरे हेलो, क्या हुआ जी? क्या हुआ? अरे वो मटरू की बिजली का मंडोला वो अमेरिका से एक मंडोली लेकर आया है। क्या?